Hello everyone, myself Yamini from VPS Higher Secondary Public School. As we know, our school is closed due to lockdown and our school is providing online classes for you. So dear students, this is a computer book and this is for class 2. And this book is based on Office 2010. Students, there are 7 chapter. First, computer, a useful machine. Second, types and operation. Third, parts of computer. Fourth, working of computer. After that, first term test paper. Fifth chapter, the keyboard. Sixth, the mouse. 7, MS Paint with Windows. And after that, second term test paper. So students, today we will learn about chapter first, and our chapter first is a useful machine. मतलब computer जो है बहुत ही उपयोगी machine है. Students, computer is a wonderful machine woman ever had. कंप्यूटर जो है एक वंडरफुल मशीन है. वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक मशीन. यू कैन से ऑफकोर्स आश्चर्यजनक है. इसमें बहुत सारे ऐसे जो मैजिक्स है वो कुछ वंडरफुल है जो कि ह्यूमन एवर है, ह्यूमन के द्वारा है. इट इज़ फास्ट एंड कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क. ये जो है किसी काम को फास्ट करता है और अलग अलग टाइप के अलग अलग प्रकार के कार्य को कर सकता है. देयरफॉर कंप्यूटर हैज़ बिकम ए वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. सो कंप्यूटर जो है हमारे लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है. और हमारे जो आजकल ये मॉडर्न लाइफ जो है यहाँ आजकल बहुत ही हेल्पफुल है हमारी लाइफ में. वॉट मेक्स कंप्यूटर सो यूजफुल. ऐसा क्या है जो कंप्यूटर को बहुत यूजफुल बनाता है, उपयोगी बनाता है. कंप्यूटर हैज़ मेनी फीचर्स विच मेक इट इज अ वेरी यूजफुल डिवाइस. कंप्यूटर में बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारे गुण हैं जो इसे बहुत उपयोगी डिवाइस बनाता है, उपकरण बनाता है. सम ऑफ द फीचर्स ऑफ कंप्यूटर आर इवन मोर इफिशियंट दैन दैट ऑफ द वुमैन. और कंप्यूटर के कुछ ऐसे गुण हैं जो ह्यूमन के तुलना में, मानव के तुलना में इसे कुछ इफिशियंट बनाता है, अलग बनाता है, मतलब इसे कुछ ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है. फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के गुण. सम ऑफ द अमेजिंग फीचर्स ऑफ कंप्यूटर आर गिवन बिलो. कंप्यूटर के कुछ ऐसे गुण हैं जो यहाँ नीचे दिए हुए हैं. कंप्यूटर इज इंटेलिजेंट. कंप्यूटर एक डेलीजेंट मतलब कंप्यूटर, इसको डेलीजेंट का मतलब परिश्रमी हम कह सकते हैं, परिश्रमी होता है कंप्यूटर जो है, परिश्रमी है. कंप्यूटर कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट गेटिंग टायर्ड. कंप्यूटर जो है घंटों काम कर सकता है बिना थके हुए, और करता है. इट वर्क्स विद सेम स्पीड एंड डायनेमिज्म फॉर लॉन्ग टाइम. ये मतलब उस एक ही स्पीड में, जिस स्पीड से ये काम करे उसी स्पीड से, उसी ऊर्जा से, उसी जोर से लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक काम करता है. दिस इज़ नॉट ट्रू इन केस ऑफ ह्यूमन. बट ये जो फीचर्स है कंप्यूटर के जो ह्यूमन में नहीं है, ह्यूमन के केस में नहीं है. ह्यूमन जो है लॉन्ग टाइम तक एक ही स्पीड से, एक ही डायनेमिज्म से काम नहीं कर सकता है, वो थक जाता है. और अगर लगातार काम करता भी है तो उसकी स्पीड जो है स्लो हो जाती है. कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट. कंप्यूटर वर्क्स एट वेरी हाई स्पीड विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट. कंप्यूटर जो है बहुत तेज़ी से काम करता है बिना आराम किए. इट कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन अ सेकेंड. और ये जो है बहुत सारा मतलब मिलियंस कैलकुलेशन, लाखों कैलकुलेशन एक सेकेंड में कर सकता है. वेयर एज मैन इज स्लोअर इन डूइंग वर्क. और ऐसे में जो है मानव जो है कंप्यूटर की तुलना में स्लोअर मतलब धीमी गति से काम करता है. कंप्यूटर हैज़ ग्रेट एक्यूरेसी. कंप्यूटर इज ऑलवेज एक्यूरेट एंड नेवर मेक मिस्टेक.
कंप्यूटर जो है हमेशा एक्यूरेट मतलब सही आंसर देता है, सही है एंड नेवर मेक मिस्टेक, या कभी कोई गलती नहीं करता है एक्चुअली। मतलब जैसे कि हम इसको अगर बोलते हैं 2 × 2 तो का, अगर हमें कैलकुलेशन चाहिए तो 2 × 2 का कैलकुलेशन ये 4 ही देगा। हो सकता है कि मानव से गलती वो 3 × 2 लिख दे, बट कंप्यूटर कभी से गलती नहीं कर सकता है। हम जो इसे टास्क देंगे उसका सही रिजल्ट हमेशा देता है। वेयर मैन इज सब्जेक्ट टू मेक मिस्टेक्स, और इस सब्जेक्ट में हम कह सकते हैं कि मानव गलती करता है। ऑफकोर्स मानव से गलती हो सकता है। कंप्यूटर हैज़ लार्ज मेमोरी, कंप्यूटर के पास जो है बहुत लार्ज मेमोरी होती है। कंप्यूटर नेवर फॉरगेट्स एनीथिंग, कंप्यूटर जो है कभी कुछ भूलता नहीं है। इट कैन स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन, ये बहुत बड़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकता है। जबकि मानव जो है भूल जाता है, भूल सकता है किसी भी मेमोरी को अगर वो स्टोर करके अपने माइंड में रखता है तो। कंप्यूटर हैज़ मैनी वंडरफुल फीचर्स एज कंप्यूटर टू द हुमैन, सो कंप्यूटर्स पास ऐसे बहुत ही वंडरफुल फीचर्स है जैसे कि मैन के पास नहीं है, मानव के पास नहीं है। ये टीवी शुड रिमेम्बर दैट इट इज़ मैन हु हैज़ मेड द कंप्यूटर। सो हमें उस इंसान को याद रखना चाहिए जिसने कि इस कंप्यूटर को बनाया। देयर आर मैनी ट्रेट्स इन द मैन विच कंप्यूटर डज नॉट हैव, यहाँ पे कंप्यूटर में कुछ बहुत सारे ऐसे ट्रेट्स हैं जो कि मानव के पास नहीं है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि मानव के पास कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं जो कि कंप्यूटर में नहीं है। लेट्स सी, ह्यूमन कैन थिंक एंड क्रिएट न्यू थिंग्स, मानव जो है सोच सकता है और कुछ नया कर सकता है। बट कंप्यूटर कैन नॉट थिंक ऑफ एनी थिंग बाई इट्स ओन, कंप्यूटर जो है खुद से कुछ नहीं सोच सकता, खुद से कुछ नहीं कर सकता। इसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, सूचना देना पड़ता है कंप्यूटर को, हमें डाटा इंटर करना पड़ता है कि कंप्यूटर को क्या करना है। जैसे अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई के लिए इंस्ट्रक्शन करना होता है, ड्राइंग करना है तो ड्राइंग के लिए इंस्ट्रक्शन देना होता है। बट मानव जो है उसको किसी के इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं, वो खुद से कर सकता है। हुमैन हैज़ फीलिंग्स एंड इमोशंस, हुमैन के पास जो है फीलिंग्स है, इमोशंस है, मैं महसूस कर सकता है। बट कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी फीलिंग और इमोशन, और कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग्स इमोशंस नहीं होती है। हुमैन कैन टेक इट हीज ओन डिसीजन, हुमैन जो है अपनी डिसीजन ले सकता है, खुद के लिए फैसला कर सकता है। बट कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन, कंप्यूटर जो है खुद से नहीं सोच सकता, खुद से फैसला नहीं ले सकता है। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से जो और रिलेटेड टॉपिक्स है वी विल सॉल्व एंड लर्न अबाउट मोर थिंग्स इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।